मरगी आज तो मरगी डॉक्टर मैंने ना बनना तेरी कंपाउंडर नी मरगी के कया मोसा जी। अरे थारी कौन सा बाण ब्या रखी मेरे जो मोसा जी कह रही। अरे मैं मोसा जी ने कह रही मरगी मैंने ना बनना तेरी कंपाउंडर नी। अच्छा तूने मुझे कंपाउंडर नहीं बनाया। अरे मैं घर पे गई थी घर पे मुझे पता पड़ा तो दुकान पे मैं दुकान पे ही आ गई दवाई ले दर्द हो रहा दर्द मर गई मार दिया मुझे अच्छा कंपाउंडर बनाया। के गवाही देना आई यहाँ के लेना आई तू कोर्ट में जा गवाही देनी ये तो डॉक्टर की दुकान है कोर्ट थोड़ा आई हूँ यहाँ से कोर्ट में जा है मर यहाँ पे। डॉक्टर पहले मेरी बात सुन। के काया खाट बुनो मैं तुझे खाट बुनने वाला दिख रहा मैं तो डॉक्टर हूँ डॉक्टर दवाई दू खाट बुन दो। मैं अपना इलाज करवाना ही इलाज बहरे इलाज। के काया मसाज करवाना ही हैं मेरी दुकान तने कोई ब्यूटी पार्लर सोच रखी। अरे मसाज करवानी तो ब्यूटी पार्लर जा स्पा जा कहीं चली जा तू यहाँ के ले जा भाग जा। अरे मैं अपना इलाज कराना ही इलाज। के कया खाजूरी अच्छा खाज का तो मेरे पे गांडा तोड़ इलाज है गांडा तोड़ ऐसा इलाज कर दूंगा पक्का मैं तो खाज नहीं छोड़ दूं मैं तेरे कहीं भी। अरे डॉक्टर मेरे खाज ना हो रही खाज। अरे मेरी कमर में दर्द है उसकी नस बंद करानी है नसबंदी। के कया चकबंदी करवानी। अरे चकबंदी करवानी तो तहसील में मर जाके यहाँ मैं कोई पटवारी लग रहा वहां जा पटवारी करेगा चकबंदी मैं कोई इतना लंबा फित्ता ले रहा जो नापूंगा मैं बकवास मार रही यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब नसबंदी करानी है नसबंदी। के कया नसबंदी करवानी नसबंदी। अरे बात सुन ले काट पीट के काम तो हम बकरा ईद पे करे कर रहे हैं उससे पहले ना करते आई यहाँ से नसबंदी करवान अपना नाम लिखवा जा फेर कर देंगे। रे मेरी कमर में दर्द है दर्द उसकी दवाई दे दा दवाई। मैं ना पकड़ रहा कुछ भी जा चली जा हम काटने पीटने काम ना करते इतने बड़े सर्जन ना हम जो काटने पीटने का काम करेंगे। आई यहाँ से भागी हुई कल तो आई थी कि डॉक्टर मैं तेरे यहाँ नौकरी करूंगी इतने में तेरा दर्द हो गया भूल गई सब वैद बना दे मत बहुत बढ़िया सारी लुगाइयों की डिलीवरी तू ही करती काम में। मेरी कमर में दर्द है दर्द उसकी दवाई दे दा दवाई। नस ना खुल रही तेरी नस तो ऐसी खोल दूंगा मैं पानी बहेगा एकदम ते और तेरे गात में भुस्सा भर दूंगा भुस्सा और चिंता ना कर तू फूली फूली चलेगी ऐसा लगेगा जब फुल्लू पे चल रही हो। और मैं बहुत खराब डॉक्टर हूँ बढ़िया के लिए बढ़िया हूँ समझी तू। अरे मेरे पीछे में दर्द है थोड़ा सा अरे कुछ कुछ। केक आया चुक चुक। अरे चुक चुक करनी तो रेलवे स्टेशन पे जा यहाँ क्यों अपनी स्थिति से मरवारी यहाँ कोई रेलवे स्टेशन दिखे है यहाँ तो डॉक्टर की दुकान है डॉक्टर की दुकान बैरे डॉक्टर की दुकान आई बकवाद करन चुक चुक करेगी यहाँ से भाग जाए यहाँ तो ताव भाई। अरे मेरे पीछे में दर्द है थोड़ा सा बवासीर हो रही बहुत भयंकर बीमारी है तो बवासीर हो रही फिर कहीं और जा यहाँ क्यों स्थिति करवावे बकरे की बच्ची यहाँ आई बवासीर का इलाज करवान मेरे पे ना बवासीर पवासीर का इलाज यहाँ से यू तो थुक्कू वैद करे कर ऐसे तो मैं थोड़ा ही करे करूँ मैं तो बैरा डॉक्टर हूँ बैरा और बहुत बढ़िया इलाज कर दू सारे इलाज है मेरे पे कौड़ी ना दे कौड़ी। के कहा ताली दूं दुकान की अच्छा कितनी बढ़िया बात कह ताली दे दूं दुकान की तुझे मैं तेरे घर में सात जन्म तक कोई वैद पैदा हुआ मार रही बकवाद यहाँ सी ताली दे दूं इसे दुकान की ABCD पता नहीं है या पता नहीं सीटा पीटा मोल और कोई दवाई का पता नहीं ताली मांग है दुकान की एक घंटा की बैठगी मेरे दौरे MBBS सर्जन ही हो रही चले जाओ तो मैं जानू पहले घरों में कली करे करा बन गया डॉक्टर दो गोलियां रख के ले मैं जाऊ पुलिस को बुला के लाऊंगा अभी ले मैं चली। अरे रुक जा रुक जा रुक जा अरे मरवावेगी रुक जा। नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे विधि लव म्यूजिक पे। आप सभी का हमारे विधि लव म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है
आप लोगों ने हमारी कॉमेडी देखी, आपको कैसी लगी इसके विषय में कमेंट जरूर करें, परंतु हम इस विषय में आपको आगाह कर देना चाहते हैं और ये वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए बना करके लाई गई है कि कभी भी आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी बीमार व्यक्ति हो, उसको अच्छे MBBS डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, कभी भी किसी झोला छाप डॉक्टर से सलाह न लें, नहीं दवाई लें, क्योंकि वो उसको जो है कभी भी मौत के घाट उतार सकता है। उसको जब खुद ही नॉलेज नहीं है तो तुम्हें दवाई कैसी देगा। ये देखने को मिला गया है गांव के अंदर कि कुछ लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी से ऊब करके परेशान होकर के 10 दिन किसी भी डॉक्टर के पास रह करके वो दवाई देना शुरू कर देते हैं और अपना क्लिनिक खोल करके बैठ जाते हैं। आप सबसे पहले दवाई लेने से भी पहले आप उसका जानकारी ले कि ये MBBS BMS कोई डॉक्टर है, डिग्री है इसके पास या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे कभी भी दवाई न ले, क्योंकि इंसान की जिंदगी एक अनमोल जिंदगी है, उस जिंदगी को ना खोए किसी के बहकावे में आकर के, किसी की चालबाजी में आकर के। ये एक पैसा कमाने का जरिया लोगों ने बना लिया है, इस तरह की दुकानें खोल करके आप अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छा इलाज करवाएं, आप पैसे का मोह ना देखें, जिंदगी अनमोल है, जिंदगी को जिए। और हमारे ये विधि लव मिज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।